डर गया लोग तेरे से। आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ जो मुझे मिला था टेंट के पर, और मैंने ना आप लोगों को नहीं दिखा रखा था। हेलो माय ड्यू फैमिली, कैसा आप सभी लोग, आई होप कि आप ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आज भी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी अपने ही किचन से और दिन के 1 बजे से, क्योंकि मैं बना रही हूँ दिन का खाना। और दिन के खाने में बनाने वाली हूँ आज मैं खिचड़ी। तो खिचड़ी वचड़ी बनाते हैं, फिर बच्चों का नहाने का भी समय हो जाता है और बच्चों को भी नहाने के लिए जाना है और कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि आज मैं लेट से नहाई तो काम भी सारा लेट से ही हो रखा है। तो थोड़ी देर में खाना रखे कपड़े वपड़े छालती हूँ, मशीन में घुमा रखे हैं वैसे तो, बस छालने हैं। इसके बाद कपड़े छालूंगी, फिर बच्चों को भी लेने के लिए जाना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, पहले खाना वाना बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। फाइनली खिचड़ी बनने के लिए रख दी है और अब मैं तो अब मैं छाने जाती हूँ कपड़े, और बच्चों को आने में भी समय है, तब तक मैं कपड़े भी धो लूंगी। उससे पहले थोड़ा मैं किचन को क्लीन कर लेते हैं। कपड़े वपड़े भी धो दिए और बच्चों का छुट्टी का टाइम भी हो गया, तो बच्चों को भी लेके आती हूँ। और मैं यहाँ से ना नीचे बच्चों को देख रही हूँ, साइकिल चला रहे हैं छोटे छोटे बच्चे छत में, और धूप भी ना काफी तेज लग रही है, तो बच्चों को भी लेके आती हूँ फिर खाना। तो जी कपड़े वपड़े धोने के बाद मैं जा रही हूँ भी बच्चों को लेने के लिए, और काफ़ी टाइम हो गया है तो बच्चे इंतज़ार भी कर रहे होंगे, और धूप भी ना मस्त वाली लग रही है। और मैं ऐसे ही जा रही हूँ क्योंकि कपड़े चेंज करने का ना टाइम ही नहीं मिला, तो पीछे से जा रही हूँ ऐसे लेके आती हूँ। डर गया लोग तेरे से। चलो लोग, चलो छुट्टियां पड़ गई कब से? बस कल ही कल स्कूल। तो गाइस हम भी स्कूल से आ चुके हैं और मम्मी ने खिचड़ी बनाई है, चलो खाते हैं खिचड़ी। अभी समय है शाम के 4 बजे का, और खाना वाना खाने के बाद ना हम बैठे हैं नीचे वाले कमरे में, और आज ना मैंने ये वाला कमरा थोड़ा सा डेकोरेट कर रखा है और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। पहले मेरा मंदिर था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ना एक टेबल टाइप का लगा के यहाँ पे टेडी को बैठा रखा है, और यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, और जो मेरे गद्दे पड़े थे दो मैंने यहाँ पे बिछा करके यहाँ पे सोफे का काम कर रहा है यहाँ पे लगा दिया है, और मंदिर बना रखा है यहाँ पे, और बाकी थोड़ा बहुत ऐसी डेकोरेशन कर रखा है। ट्यूशन का टाइम हो गया। मोए 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 हम तो नहीं जाएंगे ट्यूशन। क्यों नहीं? और छुट्टियाँ कल से बनेगी? कल से नहीं, परसों से। और लको कुछ सुना दे यार बाबू, बहुत टाइम से मुझे लको का गाना सुनने का मन कर रहा है।
तो बच्चों का हो गया ट्यूशन का टाइम और बच्चों को यहाँ पे ना भी गाना गाने की डांस करने की सूझ रही है। देखो केला कंगन हाथों में चूड़ी जाओ ट्यूशन का टाइम हो गया हो गया जी। बच्चे भी चले गए हैं ट्यूशन और अब मैं भी जाती हूँ अंदर और रात के खाने की तैयारी करती हूँ। गोभी होभी की सब्जी है उसको काटती हूँ और तौलिया था बाहर उसको भी ले जाती हूँ अंदर को। धूप भी चलेगी। वही सभी समय है शाम के 6:30 बजे का और हम ट्यूशन से आ गए थे 5:30 बजे और अभी मैं कर रही हूँ स्कूल के हॉलीडे का काम। तो वैसे हॉलीडे तो लगी नहीं है, परसों से लगेंगी। कल स्कूल जाना है, परसों पीटी में, फिर उसके बाद छुट्टी है। लेकिन मैम लोगों ने टीचर्स ने आज ही काम भेज दिया तो मैंने सोचा कि काम आसान कर लेती हूँ तो मैं अभी कर रही हूँ काम। तो हमने तो अभी स्टार्ट ही कर रखा है बस। तो मम्मी खाना बना रही है और ये लड़का ऐसे घूमते रहता है, इसका तो पढ़ाई में ध्यान है ही नहीं। तो चलिए फिर मैं काम करती हूँ और आपको मिल लूँगी मैं कुछ ही देर में। तो जी हमारा रात का खाना भी बन चुका है और अब एक बार खाना खा लेते हैं क्योंकि ना सर्दियों में खाना जल्दी ठंडा हो जाता है तो गर्मा गर्म ही खाना खा लेते हैं। और खाने में बना रखा है आज मैंने फूल गोभी की सब्जी और रोटियां। और आजकल ना हम किचन में ही खाते हैं, जब कोई लोग आते हैं या हस्बैंड जी आते हैं तब हम ना नीचे वाले या ऊपर वाले रूम में खाते हैं, अदरवाइज हम किचन में ही खाते हैं तब खाना वाना खा लेते हैं। हमारा रात का खाना भी हो गया है और खाना खाने के बाद गुंजन करने लगी है फिर से अपनी पढ़ाई और लोगों महाराज तो सो गया है। और आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ जो मुझे मिला था 10K पर और मैंने ना आप लोगों को नहीं दिखा रखा था। लोगों को 1 लाख, लोगों का 1 लाख होने पर सिल्वर प्ले बटन मिलता है लेकिन मुझे 10K पर ना गोल्डन प्ले बटन मिला है। दिखाती हूँ आपको, देखिए ये, और ये बनाया था गुंजन ने 10K होने पर और मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो कितना अच्छा बना ले रही है यूट्यूब प्ले बटन, वो भी गोल्डन का। तो चलिए आर्टिफिशियल गोल्ड है करिए खुद ही। तो अब हम भी सो जाते हैं और आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ब्लॉग पसंद आए, अगर आती तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय देव में उत्तराखंड और गुड नाइट।